मेरा नाम दुर्रे-शहवार है और मैं जो है ना पश्चिम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन क्वेटा। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक शॉर्ट फिल्म से, एक कंपटीशन था, उस शॉर्ट फिल्म में मैंने जो है ना पार्ट लिया था एक ग्रुप के साथ, और वो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। उसके बाद एक और काम आया जो कि ब्रांड शूट था, एक लोकल ब्रांड शूट था, उससे मैंने अपना काम स्टार्ट किया मॉडलिंग का। इसके साथ चलते चलते काम आते गए, एक कमर्शियल में मेरी एक चैनल से जो है ना मुझे ऑफ़र हुई होस्टिंग की, तो ऐसे जो है ना मेरी होस्टिंग की एक जो है ना वो स्टार्ट हो गया। और इस टाइम माशाल्लाह से अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो इस टाइम मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, मैं मॉडलिंग भी कर सकती हूँ, इसके साथ साथ मैं एक होस्ट भी हूँ और मैं एक RG भी हूँ। जो सपोर्ट की बात थी सबसे पहले, वो तो मुझे फैमिली से वैसे नहीं मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्वेटा में रहते हैं और बीइंग अ पठान फैमिली से होकर आपको वो सपोर्ट नहीं मिल सकती है घर से, क्योंकि जाहिर सी बात है अब भी मुझे घर से वो सपोर्ट नहीं मिली है जो कि मैं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, समहाउ ऐसा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है और मैं अपनी माँ को जाकर कहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, तो वो मुझे मना कर देती है। लेकिन फिर वही बातें ज़िद करके जब वो मुझे सुबह उठ के जाना होता है तो मेरी माँ इस बात का ख्याल रखती है कि मैं नाश्ता करके जाऊँ या मैं देखूँ या मैं वापस आऊँ तो मुझसे पूछे कि कैसा प्रोजेक्ट था, बन कर आए तो मैं दिखाऊँ कि ये था, तो वैसी सपोर्ट नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं बोलती हूँ कि अच्छी सपोर्ट मेरी माँ की तरफ से है मुझे। अगर मेल डोमिनेंसी की बात की जाए तो वो हर फील्ड में हमारे पास है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे इसका सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, इतना नहीं करना पड़ा है, लेकिन हाँ एक चीज़ में है, जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में मैं भी काम कर रही हूँ और जिस प्रोजेक्ट में लड़के भी होंगे, तो समहाउ लोग जो है ना लड़कों को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे एज़ कम्पेयर टू मी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक म्यूज़िक वीडियो में मैंने काम किया था, तो जो तारीफ़ें थी वो ज़्यादातर लड़कों की तरफ ज़्यादा जा रही थी, बाकी मेरी तरफ ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स जा रहे थे कि लड़की है और ये काम कर रही है और ये और वो। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत फ़र्क नज़र आता है। चैलेंजेस हमारे पास एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगी चैलेंज है, वो है अनपेड काम। लोग क्या करते हैं कि लोग काम को नहीं देखते, यहाँ क्वेटा की मैं बात करूँगी, कि लोग काम को नहीं देखते कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। वो लोग ये देखेंगे कि यार ये मुझसे कम पैसे मांग रहे हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ, या ये मुझसे जो है ना मुफ्त में काम कराने को बोल रहे तो मैं इसको अपने काम ले लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को चाहिए कि यहाँ क्वेटा में माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, उनको चाहिए यहाँ पे लोगों को यू नो टैलेंट दिखाने के लिए उनको पेड काम दे। जाहिर सी बात है हर कोई मुफ्त काम नहीं करता है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ऐसे काम कर लिए थे, लेकिन अब जब मैं पेमेंट की बात करती हूँ तो लोग इस बारे में बोलते हैं कि उफ ये तो इतना ज़्यादा पे करे, ये तो गलत है। तो ये एक मेन चैलेंज है जो कि मैं कहती हूँ कि नहीं फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम करवा रहे हो तो आई गेस आपको पे करना चाहिए उनको। सबसे पहले तो अपनी वैल्यू बनाए, अपना मयार बनाए। आपको इस फील्ड में, आपको मैं बताऊँ, अगर जर्नलिज्म की फील्ड है, होस्टिंग की फील्ड है, एक्टिंग है या मॉडलिंग है, आपको अपने स्टार्टिंग में एक पोर्टफोलियो चाहिए होगा जिसके लिए समहाउ आपको बहुत स्टार्टिंग में फ्री काम करने होंगे। लेकिन आप अपना मयार उस टाइम बनाए जब आपको पोर्टफोलियो बन गया, आपके पास एक्सपीरियंस है, अनपेड काम नहीं करें जब तक आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो यूनिवर्सिटी से नए नए निकले होते हैं, मैं अपनी भी बात करूँगी, मुझे हर चीज़ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि हाँ यार मैं ये भी फ्री कर लेती हूँ अपॉर्चुनिटी है, वो भी फ्री कर लेती हूँ अपॉर्चुनिटी नहीं। हर चीज़ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी देखें कि अगर वो इतनी अच्छी है तो आप फ्री काम करें। वरना मैं बोलती हूँ अपना मयार, अपनी वैल्यू खुद बनाएं, फ्री काम मत करें लोगों के लिए। लोगों को दिखाएं कि यार ये मेरा टैलेंट है एंड यू हैव टू पे फॉर दिस। मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में मुझे आज तक ऑब्जेक्टिफाई हुआ हो, क्योंकि आपको मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह पर काम करने को मिले जहाँ पर आपको इसका सामना ना करना पड़े, क्योंकि जितना इस फील्ड को हम बुरा मानते हैं उतनी ये फील्ड बुरी है नहीं।